हेलो दोस्तों, हाजिर है एक और नई वीडियो में बहुत अच्छे शेयर के बारे में। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर प्राइस टारगेट के बारे में, इस शेयर का आने वाला भविष्य कैसा रहने वाला है, कैसे रिटर्न्स आपको ये शेयर देने वाला है। अगर आप लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस वीडियो देखने के बाद में आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले हम शेयर के कुछ आंकड़े देखते हैं, उसके बाद में आपको मैं प्रेडिक्शन बहुत जल्द देने वाला हूँ, बस आप मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं शेयर का लास्ट ईयर का रिटर्न्स। तो आप देख सकते हो पिछले एक साल में शेयर कंटिन्यूअस ग्रोथ पे ही है, किसमें थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिला है लेकिन कंटिन्यूस ग्रोथ में। अगर पिछले 6 महीने की बात करी जाए तो 6 महीने से आप देख सकते हो अपना शेयर जो है ये शेयर अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों पिछले कुछ 5-6 दिन से, तो आप देख सकते हो कंटिन्यूस अपर सर्किट भी लग रहे हैं एंड देन उसके बाद में अच्छा शेयर परफॉर्म कर रहा है। बात करें सबसे हाईएस्ट पॉइंट की, तो आप देख सकते हो 360 का टारगेट टच करके आ चुका है, लेकिन करंट में 3344 चल रहा है, तो 360 आराम से टच कर देगा अभी कुछ टाइम बाद दोबारा, ठीक है। और लोवेस्ट जो रहा 4142 का रहा। अब बात करते हैं कुछ फंडामेंटल्स की, आप देख सकते हो प्रमोटर्स के पास 85%, आप समझ सकते हो ना 85% का मतलब, तो आप समझ सकते हो किस पोजीशन में इस टाइम कंपनी है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं टारगेटेड प्राइस, 2024 के एंड तक जाते जाते शेयर 420 का आंकड़ा टच कर देगा, बस प्लस माइनस का 10% लेके चलना, इसका 10% आगे लेके चलते हो तो ये आंकड़े आराम से टच कर देगा। अगर बात की जाए 2025 की, तो ये आंकड़े टच हो जाएंगे, 2026, 27, 28, 29, 30 तक की पूरी प्रेडिक्शन आप देख सकते हो। बाकी जो ये आप लोगों को पता ही होगा, जो भी कंपनी का भविष्य होता है आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियाँ डूब जाती हैं और अच्छी अच्छी छोटी छोटी कंपनियाँ उठ जाती हैं, तो सारा जो खेल है वो कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है और कैसा करेगी आने वाले समय में, किस फील्ड में कंपनी जा रही है, कितना कर्जा है, कैसे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ये सब चीज़ें आपको भविष्य में आप अभी से नहीं बता सकते। भविष्य बताता है कंपनी का चाल चलन, कैसे कंपनी परफॉर्म कर रही है। तो अगर जैसा कंपनी अभी परफॉर्म कर रही है तो ये सारे टारगेटेड प्राइस टच करने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर कंपनी की कोई बुरी न्यूज़ आती है, कोई बुरी न्यूज़ आती है आने वाले समय में, तो आपको पता ही है कि कंपनी को डूबने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो ये प्रिडिक्शन जो है सिर्फ आज के हिसाब से है, अभी कैसा परफॉर्म कर रही है कंपनी, आने वाले समय की प्रिडिक्शन कोई नहीं दे सकता, कोई भगवान नहीं है। लेकिन अगर आप लोग हमारी वीडियो देखने के बाद इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ ना करें, आप जो है अपनी प्रिडिक्शन खुद बनाएं, यानी कि आप खुद रिसर्च करें, देन उसके बाद में ही आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। हम इस कंपनी की बात नहीं करते, हम हर वीडियो में बोलते हैं आप किसी और कंपनी में भी इन्वेस्ट करें तो अपनी रिसर्च जरूर खुद करें, ठीक है। किसी के कहने से इंस्टाग्राम की रील देख के, इन सब चीज़ों को देख के किसी में भी इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो ही खत्म होती है, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। किस शेयर प्राइस टारगेट की प्रेडिक्शन आप करवाना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।